साथियों नमस्कार। रविवार की बैठक मालोट कानपुर में सर्वप्रथम हम आए हुए सेबी के जो नई गाइडलाइन है उससे हम प्रसन्न तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ राहत मिली है उन ग्राहक साथियों को जिनके पास अभी तक मैसेज नहीं आए थे। धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पीड़ित हूं तो धन्यवाद ही दूंगा और उसके आगे कर नहीं सकता हूं कुछ, क्योंकि कुछ अधिकार और पावर है नहीं हमारे साथ। जो हमारे ये साथी आए हुए हैं आज सभी के तरह तरह के मन में मंथन है, चिंतन है, क्योंकि आधे से ज्यादा यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं, हम हो चाहे जो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, क्योंकि हर घर में व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पे पूरा जो साइट डाली जाती है वो खुलती नहीं है। बात समझना, हमारा आज सीनियर जो पढ़ा लिखा था आज वो इन लोगों की मदद नहीं करना चाहता है। गंभीरता लेना पड़ेगा कि जो सेबी के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही जटिल है, उसको कोई समझने वाला नहीं है, ना हमारी सरकार है, ना हमारे नेता है, और ना हमारा वो सीनियर एजेंट साथी है, और ना आज की डेट में वो संगठन है जिन संगठनों ने 2015 में हमारे भुगतान के लिए एक बीड़ा उठाया था। आज वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं और कोई भी प्रक्रिया होती है उस पर वाहवाही लूटने के लिए आगे बढ़ कर आ जाते हैं, उनका मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पर आज मैं बताना चाहता हूं कि उन संगठन के पदाधिकारियों को आप उन कंपनी के जो कंपनी का मैनेजमेंट था, अधिकारी था, उनसे भी कहीं आप कम नहीं है। जो आज सीनियर लुप्त बैठे हुए हैं घरों में, लुप्त हो गए हैं, आप उन लोगों से भी कहीं कम नहीं है। आज दिक्कत है, समस्या है, लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बैठे हुए हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है कैसे आए। ये बहन जी खड़ी हुई है, ये बहन जी उन्नाव से आई हुई है, इनका एजेंट माल लोड भेज दिया गया, वहां जाइए, एक व्यक्ति आपका नौकर बैठा हुआ है जो हमने वहां पे महीने की सैलरी में लगा रखा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पे ये अपने एजेंट का नाम बता सकती हैं? आपका क्या नाम है? आपका जरीना, कहां से आएंगे? शुक्ला। एजेंट का नाम बताइए। आजाद। आजाद, आजाद बाबू नाम है। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे हम खुद पीड़ित हैं, परेशान हैं, लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, जैसे सेबी के माध्यम से यहाँ पे मुझको सैलरी दी जा रही है, बैठाला जा रहा है, और हमको यहाँ पे कुछ मिल रहा है। साथियों बाहर निकलो, एक व्यक्ति एक चना भात नहीं फोड़ पाएगा, मेरी यही एक गुजारिश है। संगठन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वाहवाही अपने मुँह से अच्छी नहीं लगती है। 28 अप्रैल को जो आपने पेपर सेबी को भेजा था इन समस्याओं के लिए, आपने 2 महीने बाद उसको दिखा रहे हो। किसी ने मांगा नहीं था, सबूत नहीं मांगा था, पर कहीं ना कहीं दाल में किसी ने नहीं मांगा था। मेरी एक गुजारिश है कि काम वो करो ईमानदारी से, ताकि गेहूं के साथ में घुन ना पिसे। मेरा एक निवेदन है, ईमानदारी से कार्य कीजिए, भुगतान होगा, जरूर होगा। संकट होते हैं, संकट के वो बादल छटेंगे, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा। धन्यवाद।